हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। पिछली वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। इस वीडियो में वी विल स्टडी अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हो, कोई भी चीज है कैसी, है ना। जैसे बंदे का कैरेक्टर होता है कि भाई ये बहुत जो है ना शर्मीला स्वभाव का है, या बहुत ज्यादा बोलता है, या हसमुख स्वभाव का है, या लड़ाकू है। ऐसे अकाउंटिंग कैसी है, जो मैं पॉइंट्स पढ़ाऊंगा आपको लगेगा अरे सर यही तो आपने मीनिंग में पढ़ाया था। हाँ बात सही है, मीनिंग में जो एक मीनिंग दो तीन सेंटेंस का था, जो आप अगर अपनी बुक में भी देखेंगे टीएस गरेवाल में, जहां से मैं बेसिकली आपको पढ़ा रहा हूं, तो मोर और लेस वही चीजें आपके सामने आएंगी। तो ये रिपीटेशन है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, ये सोच के कि आपने फर्स्ट वीडियो में अच्छे से सारी चीजें सुन ली थी, तो अब इस वीडियो में एक तरह से रिवीजन है उसी फर्स्ट वीडियो के पॉइंट्स की। सबसे पहला पॉइंट यह है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ये पॉइंट ये कहता है कि अकाउंटिंग सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकती है। अब एक आदमी हमारे ऑफिस में आया, उसने कोई डीलिंग नहीं की, या मेरा इंप्लॉय बहुत ईमानदार है ना, या इस समय बाहर बहुत गर्मी है, इंपैक्ट है उस चीज का बिजनेस पे, लेकिन ऐसा जब तक उसका कोई फाइनेंशियल इंप्लीकेशन ना हो, इसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं की जा सकती, जितनी भी बातें मैंने बोली। सो हम आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो बिल और रिसीट्स के थ्रू आइडेंटिफाई होती हैं। जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसकी हमें कोई बिल या रसीद मिलती है ना, तो उसके बेसिस पर ही अकाउंटिंग आगे बढ़ सकती है। इसी तरह से मेजरिंग द आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शंस, ये बात मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस की थी कि अकाउंट्स बनाने ना तो एक यूनिफॉर्म लेवल पर सबको लाना होगा, इसलिए एक कॉमन यूनिट हम जो है यूज करते हैं, और वो यूनिट है हमारी मनी। हर चीज को हम मनी टर्म्स में लेते हैं, या लोकल करेंसी ऑफ द कंट्री, दैट इज इन इंडिया में इट इज रुपीज। तो हम इंडिया की जितनी भी अकाउंटिंग है वो रुपीज में करते हैं, ये सिंपल है। रिकॉर्डिंग के लिए हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, है ना, जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश, या कुछ भी इस तरह से। अभी ये तो मैंने एक ऐसे ही आपको बताया, अभी आपने आप सोचे कि सर ये मुंह से क्या निकला डेबिट, जो नया बच्चा हो सकता है उसके लिए डेबिट क्रेडिट नई चीज हो, बट ये समय आने पर आपकी बुक की सीक्वेंस में, क्योंकि मुझे चलना है, तो जब सही वक्त आएगा तो मैं बताऊंगा डेबिट क्या है क्रेडिट क्या है। कहने का मतलब ये है कि अकाउंटिंग एंट्रीज पास की जाती हैं। जैसे कोई भी चीज को हम रिकॉर्ड करते हैं ना, अपनी याददाश्त के लिए लिख लेना, अकाउंटिंग क्या है सिंपल लैंग्वेज में, जैसा पिछली क्लास में भी डिस्कस हुआ, अपनी याददाश्त के लिए चीजों को लिख लेना। लेकिन अगर हमारी ट्रांजैक्शंस कम है तो मैंने कहा था हम उसको रूटीन में अपनी डायरी में भी लिख लें, या किसी कागज पर भी लिख लें, तो भी काम चल जाता है। लेकिन अगर ट्रांजैक्शंस हजारों में हो, लाखों में हो, और अमाउंट इन्वॉल्व जो है वो भी बहुत हाई हो, तो फिर प्रॉपर सिस्टमैटिक, और आज की तारीख में बोलूं तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करनी जरूरी है, ताकि जब हमें जरूरत हो तब हमें तुरंत उसके रिजल्ट्स मिल सके कि आखिर कितना पैसा खर्च हो गया, कहां हम स्टैंड करते हैं। सो दिस इज रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के लिए जो मेनली एंट्री बनाई जाती है उसको जनरल एंट्री बोलते हैं, बट आगे चल के हम इसको कैश बुक बनाएंगे तो वो भी एक तरह से कैश से रिलेटेड एंट्रीज हो गई, या जैसे हमने सेल्स बुक बनाई तो सेल्स से रिलेटेड एंट्री हो गई, परचेज बुक बनाई तो परचेज से रिलेटेड एंट्रीज हो गई। ये सिंपल है समझना। उसके बाद हम सभी ट्रांजेक्शन्स को जो सिमिलर नेचर की होती है उनको क्लासीफाई कर देते हैं। जैसे मैंने लिखा है क्लासीफाइंग, क्लासीफाइंग का मतलब क्या मैंने लिखा है, ग्रुपिंग ट्रांजैक्शंस ऑफ वन नेचर। आई होप कि जो मैंने लिखा है वो आपको ठीक से दिख रहा होगा, अगर फिर भी दिखने में थोड़ी दिक्कत हो तो मैं यही कहूंगा कि बुक को आप अपने साथ रखें, है ना। ये मैं टीएस गरेवाल की जो बुक है उससे पढ़ा रहा हूं, जिनके पास ये बुक ना हो वो प्लीज फ्लिपकार्ट से इस बुक को खरीद लें। कोई दिक्कत हो तो मुझे संपर्क करें, मैं आपको ये बुक अरेंज करके कोरियर कर दूंगा। कहने का मतलब यह है कि बुक आपके पास हो, और उसके बाद फिर आप एक तरह से पेज बाय पेज मैं आपको पढ़ाता चला जाऊंगा, तो ये आपका कवरेज होगा इस तरह से। और इसमें हमने क्या करना है, एक जो सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं उनको ग्रुप करना है ना। राम से जितने रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं वो एक राम अकाउंट बन के नजर आएंगी, है ना। ऐसे दिलीप से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शंस हैं वो दिलीप अकाउंट में नजर आएंगी। देखा जाए तो अपने आप में कैश अकाउंट भी एक ग्रुप लेजर है, बैंक अपने आप में एक ग्रुप लेजर है, इसको लेजर बोलते हैं। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज हैं, आप समझ लो, जैसे कि आप आज से पहले पढ़ते रहे हो, हिस्ट्री में भी कुछ टर्म्स पढ़ी होंगी, साइंस में आपने बहुत सारी टर्म्स पढ़ी होंगी, इसी तरह से अकाउंटिंग भाषा के भी अपने शब्द हैं, जैसे डेबिट,
क्रेडिट, जर्नल, लेजर, आज आपको ये सब हो सकता है कि नई सी टर्म्स लग रही होंगी, पर प्लीज डोंट वरी, किसी भी जब हम नई चीज में एंटर करते हैं तो कुछ नई यू कैन से टर्मिनोलॉजी आती है, बट दो चार पांच दस दिनों तक जब हम उस पर काम करते हैं उसके बाद वो बिल्कुल वी गेट यूज टू। जब नई स्कूटी आपने चलाई होगी या नई साइकिल चलाई होगी या कोई नया वीडियो गेम खेला होगा तब भी उसमें कुछ नए बटन्स होते हैं। जब नया मोबाइल खरीद के लाते हो तो उसका कुछ नया, कोई ऐप नहीं डाउनलोड करते हो, एक दो दिन के बाद आप दूसरों को सिखाने लगते हो। सेम अकाउंटिंग के साथ होगा, अभी कुछ नई चीजें लग रही हैं लेकिन बहुत दिनों मतलब कुछ ही दिनों में आप बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे इन सब टर्मिनोलॉजी से। तो एक तरह की ट्रांजेक्शन को हम जर्नल में बना देते हैं और फिर हम एक तरह की जो ट्रांजेक्शन है, मैंने अभी बोला एक तरह की ट्रांजेक्शन को जर्नल में बनाते, नो, हर ट्रांजेक्शन की हम एक बार रिकॉर्डिंग करते हैं और उसके बाद फिर सिमिलर ट्रांजेक्शन को हम ग्रुप कर देते हैं, तो दैट इज नोन एज लेजर। और उसमें जैसे मैंने बोला राम अकाउंट, दिलीप अकाउंट, कैश अकाउंट, ये सारा होता है। फिर पूरे साल के एंड में यूजली करने को फाइनल अकाउंट्स या ये समराइजिंग का जो वर्क है ये आज की तारीख में तो कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर, बस एक बटन दबाओ आपको बैलेंस शीट बना के दे देते हैं। लेकिन वैसे रूटीन में ट्रेडिशनली ये क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली ज्यादा किया जाता है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, अपनी जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उनको समराइज करते हैं ताकि साल के एंड में हम समझ सकें कि भी पूरे साल में टोटल सेल्स कितनी थी, टोटल परचेज कितनी थी, टोटल सैलरीज एंड वेजेस कितनी थी, टोटल रेंट, टोटल इलेक्ट्रिसिटी कितना था, कितनी सेल्स रिटर्न हुई साल में टोटल, कितनी परचेज रिटर्न हुई, कितना ओपनिंग स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक था। इन सब चीजों से हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चलेगा, मोटा माटी मैंने बताया। फिर उसके बाद हमें और अपने ऑफिस के एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन एंड अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस को माइनस करके नेट प्रॉफिट निकालना है। सिमिलरली हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट से हमें पता चलता है कि हमारी टोटल एसेट्स कितनी है, बैंक में कितना पैसा है, कैश कितना है, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, स्टॉक, सब हमें पता चलता है। यही लायबिलिटीज भी हैं, भाई अगर बिजनेस के पास कुछ है जिसको एसेट्स बोलते हैं तो बिजनेस की कुछ लायबिलिटीज भी तो हो सकती है, हो सकता है बैंक से लोन लिया हो, किसी और से उधार लियो, है ना। इवन बाद में समझाऊंगा इस चीज को, जो बिजनेस अपना पैसा लगाता है उसको भी कैपिटल हम लायबिलिटीज की तरह से ट्रीट करते हैं। तो ये सब चीजों को बैलेंस शीट में लिखा जाता है। अब कुछ और नई टर्म्स आ गए आपके लिए ना, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट। तो आई होप अब आप बस सुनिए, जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम समझेंगे कैसे। तो ये नई नई टर्मिनोलॉजीज आपके लिए आ रही हैं। तो जब हम अपनी समराइजिंग करते हैं तब हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस, फिर उससे बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, है ना। इट इज प्रेजेंटिंग डेटा इन अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल मैनर। आपको ध्यान हो फर्स्ट वीडियो में भी मैंने कहा था ना, जैसे आपका रिजल्ट है वो एक पेज पर सिस्टमैटिक एक रिपोर्ट कार्ड बनाकर दिया जाता है ताकि दूसरे बंदे को समझ में आए, ओके इस स्टूडेंट की पूरे साल की इतनी अटेंडेंस है, इसने प्रैक्टिकल और थ्योरी में ये रिस्पेक्टिव मार्क्स लिए हैं और टोटल इसकी साल की परफॉर्मेंस ये है, और अगर रैंकिंग या ग्रेडिंग दी हो तो इसकी विज़ अदर स्टूडेंट्स क्या ग्रेडिंग या रैंकिंग है। तो एक ही पेज को पढ़ के समझ में आ जाता है एक बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या है पूरे साल की। तो ये कुछ कुछ वैसा सा है समराइजिंग और बिजनेस की ट्रांजेक्शंस का एक समराइज स्टेटमेंट। फिर उसका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होता है, एग्जैक्टली उसको देखकर हमने क्या समझा, क्या हमारा बिजनेस फाइनेंशियली स्ट्रांग है, पिछले सालों के मुकाबले इस साल हमारा प्रॉफिट बढ़ा या घटा, दूसरी इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में हमारा बिजनेस कहां स्टैंड कर रहा है, क्या हम अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्या हम नीचे जा रहे हैं, ये सारी चीजों को एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में लेते हैं और इसके बेसिस पर यूजफुल बिजनेस डिसीजन लिए जाते हैं। एंड लास्ट कम्युनिकेटिंग, जो रिजल्ट होते हैं वो कंपनी के मालिकों को, ऑनर्स, मैनेजमेंट जो उस कंपनी को चला रहे हैं, मे बी डायरेक्टर्स और फाइनेंशियल मैनेजर्स एंड अदर मैनेजर्स, मनी लैंडर्स, बैंक्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, पब्लिक, जो भी उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जानने में इंटरेस्टेड हो, उनके साथ हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अपनी कंपनीज की शेयर करनी पड़ती हैं। फाइनल अकाउंट्स बनाना या कंपनी के अकाउंट्स बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है जिसको हर कंपनी को निभानी होती है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं, किसी को कोई मतलब नहीं है, मैं जो मर्जी कमाऊं, जो मर्जी खाऊं, मैंने अपना पैसा लगाया है, मैंने अपनी मेहनत लगाई है, हमारे घर के लोग उसमें लगे हुए हैं, दुनिया को हमारे अकाउंट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। नहीं सर, आपकी ये सोच सही नहीं है। अकाउंटिंग करी जाती है और उसके जो रिजल्ट्स हैं
वो दुनिया के साथ शेयर करने ही होते हैं, क्योंकि आप अपने घर में रोटी बना के खुद नहीं खा रहे हो सर, आप जो प्रोडक्ट्स बना रहे हो मार्केट में बेच रहे हो। तो जनरल पब्लिक को भी, स्पेशली एक बड़ी कंपनी का, जानने का ये हक है कि आप कितना प्रॉफिट साल में कमा रहे हो। गवर्नमेंट को ये जानने का हक है कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, क्योंकि गवर्नमेंट को भी इनकम टैक्स आपसे लेना है, और अब तो हर चीज पर ऑलमोस्ट जीएसटी लग गई है, तो गवर्नमेंट को भी पूरा जानने का हक है। इसी तरह से ऑब्वियसली बैंक्स आपसे इंफॉर्मेशन नहीं मांगेंगे अगर आपने बैंक से लोन नहीं लिया तो, लेकिन अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो बैंक को भी जानने का हक है कि जो जिस लोन से आप बिजनेस चला रहे हो उस पैसे का आपने क्या इस्तेमाल किया है, समझ रहे ना। तो अकाउंटिंग रेलेवेंट है, और अकाउंटिंग को बनाना यानी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको बनाना ही होगा। हाँ, इसमें से कुछ एरियाज, कुछ पोर्शंस अकाउंटिंग के रिजल्ट्स या इंफॉर्मेशन के सीक्रेट रहते हैं, और कुछ पब्लिक डोमेन में जाते हैं। पब्लिक डोमेन का मतलब जिसको कोई भी आदमी देख सकता है, और वो भी नॉर्म्स जो है इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो सोल प्रोप्राइटरशिप है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ये भी आपके लिए नई टर्मिनोलॉजीज होंगी, बट साथ साथ आप मेरे साथ बिजनेस स्टडीज भी पढ़ रहे हैं, साथ साथ आप मेरे साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जब आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं क्योंकि आपके सारे ही सब्जेक्ट्स ले रहा हूं, तो कुछ चीजें वहां ज्यादा डीप में कवर करूंगा, कुछ इकोनॉमिक्स में कवर करूंगा, कुछ अकाउंट्स में क्लियर करूंगा। कुल मिला के अगर आप स्पेशली कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो डोंट वरी, मैं सभी सब्जेक्ट्स आपके कवर कर रहा हूं, सो यू विल बी परफेक्ट, है ना। फिर भी कोई अगर आप मेरे साथ डिस्कशन करना चाहते हैं तो नंबर दिया है, आप कभी भी मुझे बात कर सकते हैं। मैं वैसे रोहिणी दिल्ली में रहता हूँ। थैंक यू।